दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेजे आयुर्वेदा में। आज मैं आपको एक नुस्खा लेके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि कोई ऐसा नुस्खा बताओ जिससे दिमाग तेज हो सके। तो आज अगर ये नुस्खा आपने 20 दिन भी अगर कर लिया तो दिमाग कम से कम 10 गुना तेज हो जाएगा आपका। और जिस काम में आपका मन नहीं लगता है, मन लगने लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत मतलब माइंड आपका एकदम ऐसे समझ लो शीतल हो जाएगा। जिनके दिमाग में गर्मी रहती है, टेंशन रहती है, ऐसे लोगों के लिए नुस्खा बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर ये इसे कर लिया और मात्र कुछ खर्चा नहीं है इसका, मुश्किल से अगर मानोगे तो 10 रुपये का खर्चा एक बार का है, एक खुराक का 10 रुपये। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है दवाई यूज़ करने का, मत करो। तो नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला जो वीडियो डालूँ वो आपको पहले मिल जाए। और मैं ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, आपको तो पता ही है। और ना मानो तो चेक कर लो मेरे अकाउंट पे। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा मैं बताना चाहूँगा आपको। देखो, सबसे पहले आपको करना, दिमाग तेज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है गाय का दूध एक गिलास। गाय के दूध में आपको मिक्स करना है 1 चम्मच गाय का घी। आप भैंस का घी भी ले सकते हो, गाय का घी भी ले सकते हो, दूध आपका गाय का भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अभी कहाँ लोग घूमेंगे, कहाँ देखते फिरेंगे गाय का दूध, भैंस का चलेगा, भैंस का भी चलेगा, दूध भी घी भी, कोई भी टेंशन ना लो। उसके बाद आपको करना क्या है, एक औषधि आती है बच नाम से, बच जिसे घोड़ा बच बोलते हैं, काफ़ी भाषाओं में से बच ही बोलते हैं, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल में सब में इसे बच ही बोलते हैं, बच। तो बच को आप लेके आओगे, चाहे बहुत सस्ता आता है, ऐसा 50 रुपये का आपको मिल जाएगा 50 ग्राम कम से कम। तो ऐसे लेके आ जाओ पंसारी की दुकान से। बाकी मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, बच का इस तरह का फ़ोटो होता है, इसे आप लेके आओ, इसे कूट के पीस के इसका चूर्ण बना के रख लो, ठीक है, पीस कूट के चूर्ण बना के रख लो। अब आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच घी मिक्स करो, गरम दूध हो, थोड़ा गरम दूध में 1 चम्मच घी मिक्स करो। 1 चम्मच घी मिक्स करने के बाद उसमें 1/2 चम्मच बच का चूर्ण मिला लो, बच का चूर्ण, घोड़ा बच बोलते हैं इसे। आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाओ, आराम से बता देगा, कोई भी जानता है इसे, हर कोई जानता है पंसारी वाला। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ी अच्छी लगती है, ठंडी सी होती है, अगर इसे मुँह में रख लोगे तो लगेगा दिमाग ठंडा हो गया हमारा, बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया है, बहुत अच्छा है, मेरे पास पड़ा है। तो 1/2 चम्मच इसका चूर्ण मिक्स करोगे और सुबह खाली पेट पी जाओ, शाम को खाना खाने के बाद पी जाओ, रात को सोते समय। और आप केवल 5 दिन में इसका रिजल्ट देखो, इतना ज़बरदस्त। आप कहोगे कि ये जे भाई यार क्या नुस्खा बताया था तुमने, जो मेरा काम बन गया ज़बरदस्त वाला। तो आपको कोई और औषधि खाने की, जैसे आपको नींद भी नहीं आती, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग, नींद नहीं आती है, टेंशन रहती है, अब बहुत ज़्यादा समस्या है नींद नहीं आने की, तो ये आपको खुल के नींद लाएगा और आपकी जो समस्या है, एनी समस्या, दिमाग से रिलेटिव कोई भी, माइंड से रिलेटिव कोई भी समस्या है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक और आयुर्वेदिक तरीके से ही वो आपको ठीक करेगा। ये नहीं है कि डिप्रेशन में दिमाग है आपने कि वो खा लिया। अभी देखो उसकी मौत हो गई, सुशांत राजपूत की, दुख हुआ भैया, अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन देख लो, आप इसे नुस्खे को यूज़ करो, अगर किसी को डिप्रेशन वगैरह रहता है तो ये करके देख लो आप, इससे माइंड एकदम शीतल हो जाता है, ठंडा, हाँ, जैसे फ्रिज में बैठ गए इस तरह का। तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, नमस्कार।